बिल्कुल मन शांत करिए। हम बोलते हैं सिर्फ मेरा ही आवाज पर ध्यान देना है। अभी आप मेरे ही ओर ध्यान दे दीजिए, मेरे आवाज की ओर। मेरे आवाज से अलावा और कोई भी आवाज पर ध्यान मत दीजिए। अभी आपको मेरा ही आवाज सुनाई देता है। हमेशा ये मन में दुख उत्पन्न होता है और कहीं नहीं, बीता हुआ अतीत में भी मन के चलते परेशान हुआ, अभी भी आगे भी, क्योंकि ये मन हर जगह बंधन होता जाता है। देखिए मन से, आंख से कुछ रूप देख लिया तो तुरंत उस पे मन बंधन हो जाता है। कान से कुछ मधुर आवाज सुन लिया तो उसी पे मन चला जाता है। सुगंध आ गया तो तुरंत उस गंध पर मन चला जाता है। कोई रस आ गया तो, अच्छा कुछ खाना खा लिया तो उस रस पर भी तुरंत मन चल जाता है। और शरीर पे गर्मी में, ठंडा में गर्मी महसूस हो गया तो अच्छा लगता है। कोई शरीर दबाएगा तो, शरीर को आराम मिल गया तो तुरंत मन आसक्त होता है। ये मन नीच है, ये मन पापीमय है। ये पापी मन हमेशा हमें धोखा दिया, ये पापी मन हमेशा हमें फंसाया, माया जालों में फंसाया। कभी अपना मर्जी से कुछ नहीं हो गया तो तुरंत गुस्सा आ गया, जो नापसंद आवाज सुन लिया तो तुरंत मन नाराज हो गया। ये मन हमेशा अपना मर्जी चाहता है, नीच है ये मन, पापी है ये मन। ये मन जो बोलता है वही हमेशा करते आया, इसलिए कभी ये मन हमें नरक में ले गया, हम नरक में चले गए, और ये पापी मन हमें ले गया देवताओं के पास, पुण्य करवाया। और कभी ये मन हमें पाप विचार दिला के जानवर बना दिया तो, और कभी प्रेत बना दिया तो, और कभी महाराजा बनाया, रानी बनाया, ऊंच बनाया, नीच बनाया, इस जन्म में और एक रूप दिलाया। ये मन इतना नीच है, ये मन हम अनगिनत जन्मों जन्म में मन का ही नौकर बन के अब तक दौड़ रहा है। अब तक ये मन का हम नौकर है। तो ये मन का नौकरी हम हटा सकता है। मन का नौकरी कल नहीं, आज से हम हटा सकता है। आप सोचने का तरीका बदल दीजिए। हर पल
आते समय, जाते समय, टहलते समय, काम करते समय, सोते समय, हमेशा एक नया विचार करिए। अभी हम वो विचार दिलाएंगे आपको, सोच के रहिए उस विचार पर। अतीत में जो कुछ हुआ सब कुछ खत्म हो गया। अतीत में याद रखी, याद करी, सुंदर सुंदर रूप देख लिया, खत्म हो गया। अतीत में सुंदर आवाज सुन लिया, खत्म हो गया। अतीत में सुगंध गंध सुन लिया, सब खत्म हो गया। अतीत में अच्छा अच्छा खाना खाया, मन पसंद खाना खाया, सब खत्म हो गया। खराब खाना खाया, मन गुस्सा हो गया, वो भी खत्म हो गया। अतीत में शरीर को बहुत सुख मिला, अतीत मतलब कल तक, बचपन से लेकर के कल तक बहुत सुख मिला, वो भी खत्म हुआ। याद करी, शरीर को कितना दुख मिला, वो भी खत्म हो गया। मन अतीत में मन को बहुत सुकून मिला, अच्छा अच्छा विचार आया, याद करी, वो भी खत्म हो गया। बुरा विचार आ गया, गुस्सा, क्रोध, नफरत, जलन, नीच नीच विचार आया, कभी कभी रोया ये मन, याद करी, वो भी खत्म हो गया। ऐसा है तो अतीत में सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं पकड़ पाया, सिर्फ याद रह गया। बीता हुआ अतीत का सब कुछ अनित्य हो गया, यानी कि खत्म हो गया। वो अब आपका वश में नहीं, किसी का वश में नहीं। अतीत बीत गया, अनित्य हो गया। अब देखिए वर्तमान में आपका मन में अभी कुछ कुछ विचार आते रहता होगा, अब अलग अलग विचार आते रहेगा रहता होगा। अभी आपका मन बदल रहा है, एक विचार आता है तुरंत वो खत्म होके दूसरा विचार आता है। देखिए मन को, आप आग से अब दिखाई नहीं देता है, अगर आके खोल देंगे तो देखना रूप, दूसरा रूप देखते ही तुरंत बदल जाता है। कान से आप आवाज सुन रहे हैं, अभी सुनने वाले आवाज पर कभी आप आसक्त हो सकता है या घृणा, या दोनों नहीं। वर्तमान में यानी कि अभी आप नाक से सूंघते हैं, इस समय आपके पास कोई सुगंध आ गया तो तुरंत दौड़ता है उस सुगंध पर, कहां से आ रहा है, कौन सा क्रीम, कौन सा सेंट होगा, कौन सा साबुन होगा, तुरंत मन चल जाता है गंध पर। और आपका शरीर में शायद अभी पैर दर्द देता होगा, पीठ दुखता होगा, या ठंडा लगता होगा पक्का, या तो फिर आपका शरीर थोड़ा सा दर्द देता होगा कहीं, या तो फिर आपको आराम मिलता होगा, शरीर शांत हो रहा होगा, सुख मिलने पर उस पे भी आप आसक्त होते हैं, दुख मिलने पर उस पे घृणा होता है। मन भी ऐसा है, मन को देखिए, आपका मन में अलग अलग विचार भी आता रहता होगा। ऐसा है तो ये वर्तमान रोक नहीं सकता है, अभी होते रहता है ना, ये सब कुछ बदलते रहता है, ये वर्तमान बदल जाता है। आपके पास अभी कुछ परेशान है तो कुछ पल में वो परेशानी बदल जाता है। जब तक उस दुख के बारे में आप मनन करते हैं तब तक दुख रहेगा, लेकिन वो मनन भी अनित्य है तो दुख अनित्य हो जाएगा।
अब भविष्य को देखिए। भविष्य में आप सुंदर सुंदर रूप देखेंगे, आसक्त होगा। कुरूप खराब चीज देखेंगे, मन गुस्सा होगा। भविष्य में आप सुंदर आवाज सुनेंगे, आसक्त होगा। आप बदसूरत आवाज सुनेंगे, मन घृणा होगा। भविष्य में आप अच्छा गंध सुंघेंगे, मन आसक्त होगा। भविष्य में आप बदबू सुंघेंगे, मन गुस्सा होगा। भविष्य में आप अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, मन अच्छा लगेगा। खराब खाना खाएंगे, मन घृणा होगा। और आप को शरीर में अच्छा मजा आएगा, सुकून मिलेगा, तब आपका मन प्रसन्न होगा। लेकिन भविष्य में आप बीमार पड़ेगा, शरीर दर्द देगा, शरीर को दुख मिलेगा, तब आप घृणा हो जाएगा। भविष्य में आपका ये मन बदलते रहता है, कभी सुख तो कभी दुख। तो आने वाले भविष्य में होने वाली चीज भी अतीत का जैसा है। अतीत में जो कुछ हुआ वो वर्तमान में होता रहता है, जो वर्तमान में होते रहते वो भविष्य में ही होगा। ऐसा है तो आप कुछ भी नहीं पकड़ सकता है, कुछ भी आप अपना वश में नहीं कर सकता है। सुख भी आप अपना वश में नहीं कर सकता है, दुख भी नहीं अपना वश में कर सकता है। मन में आने वाली प्यार, इच्छा, लालच, कुछ भी आप अपना वश में नहीं कर सकता है। सब कुछ बदलते रहता है इस संसार में। दूसरों का भी हालत वही है। सभी लोग खुद को पकड़ने के लिए तड़प रहा है, तड़पते रहता है। खुद को पकड़ के, सुख पकड़ के रखने के लिए कोशिश कर रहा है। कौन अभी तक सुख पकड़ लिया, कौन दुख हटाया, कोई नहीं कर पाया। हर पल सुख दुख साथ में रहकर बदलते रहता है। इसको आप जीत सकता है, छोड़ दीजिए। अतीत में जो कुछ हो गया सब अनित्य हो गया, सब छोड़ दीजिए, सब भूल जाइए। अतीत में जो कुछ देखा, सुंगा, सुंग लिया, महसूस किया, जो बीमार आया, जो अपमान हो गया, सब हटा दीजिए। नया जीवन का शुरुआत अभी करना है। हमेशा सोचिए, एक कदम उठा के रखते ही उठाया हुआ कदम अतीत में चला गया, तो दूसरा कदम उठा के रखते और एक कदम अतीत में चला गया। यानी कि हर एक सेकंड में हम लोगों का सब कुछ अतीत होता जा रहा है। वर्तमान है ही नहीं, वर्तमान कहाँ है? देखिए, उठने वाले कदम रखते ही अतीत हो गया, फिर नया कदम उठा रहा है, भविष्य है, वर्तमान कहीं नहीं। तो को कहाँ पकड़ लेंगे? कुछ नहीं पकड़ सकता है, कुछ भी अपना वश में नहीं कर सकता है। इसीलिए अतीत में जो कुछ हुआ, देखा, सुंगा, सुन लिया, महसूस किया, सब अनित्य है, सब अपना वश में नहीं कर सकता, सब दुख है। अतीत में जो कुछ हुआ सब हटा दीजिए मन से। वर्तमान में जो कुछ होते रहता है वो भी अनित्य है, उसके चलते आप कभी परेशान मत हो जाइए। आने वाले भविष्य में भी वही हालत है, एक ही नाटक हमेशा होते रहता है। आंख से देखने वाले रूप के चलते परेशान,
कान से सुनने वाले आवाज के चलते परेशान, नाक से सुनने वाली गंध के चलते परेशान, जीभ से लेने वाले स्वाद के चलते परेशान, शरीर पे पाने वाले महसूस स्पर्श के चलते परेशान, मन में आने वाले विचार के चलते परेशान। यही नाटक अतीत में था, अभी भी है, भविष्य में भी यही नाटक, दूसरों का जीवन में भी यही नाटक, कुत्ता का जीवन में, बिल्ली का, मक्खी, चींटी, सांप, हाथी, देवता, ब्रह्म, मानव, दानव, प्रेत, जानव, सबका कहानी एक ही है। सभी लोग अपना छह इंद्रिया में फंसा हुआ है, आंख में, कान में, नाक में, जीभ में, शरीर में, मन में, सब अनित्य है। हम आप अनगिनत पिछले जन्मों जन्म यही नाटक करते आया, लेकिन पिछले जन्मों जन्म में हम आप सभी लोग बंधन होता गया, पकड़ते रह गया, लेकिन नहीं पकड़ पाया, इसलिए रोया। दुख हम लोग छोड़ के खुशी पकड़ने के लिए गया, नहीं कर पाया तो रोया। अभी त्यागने का मौका आ गया, हमेशा मनन करी, सब अनित्य है। दूसरों से मिलने वाले अपमान भी अनित्य है, डांट भी अनित्य है, बेइज्जती भी अनित्य है, इज्जत भी अनित्य है, सत्कार सम्मान भी अनित्य है, कुछ भी अपना वश में नहीं कर सकता, सब अनित्य है। बदलते रहने वाले सब कुछ अपना वश में कभी नहीं कर सकता। अभी आप नया युग में आ जाइए, नया विचार में आइए, अतीत का सब हटाने के साथ साथ आपका मन दम हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपको चिंता करने वाले कोई विचार नहीं, चिंता होने वाले सब विचार को त्याग कर दिया, इसीलिए आप अभी नया व्यक्ति, नया जन्म, नया जीवन का शुरुआत करिए। उठाने वाले हर एक कदम कदम अनित्य है, बीतने वाले हर एक पल, हर एक सेकंड सेकंड अनित्य है। अनित्य है तो वो अपना वास में नहीं कर सकता। अभी नया जीवन के साथ अपना ध्यान समाप्त करिए।